अब ज्योतिराव सिंधिया भी रंग चुके हैं बीजेपी के रंग में, और भोपाल पहुंचने पर भगवा में रंगे सिंधिया का भव्य स्वागत हुआ। पहले अपने बयानों से बीजेपी को घेरने वाले ज्योतिराव सिंधिया अब कांग्रेस पर जुबानी तीर छोड़ते नजर आए। कांग्रेस से 18 साल मोहब्बत निभाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी की मोहब्बत में डूब चुके हैं। बीजेपी के रंग में रंगकर अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक करीब 20 किलोमीटर तक ज्योतिराज सिंधिया ने रोड शो किया। बीजेपी नेता बन चुके ज्योतिराज सिंधिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया का स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिराज सिंधिया ने जोशीला भाषण दिया, जमकर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। जिस संगठन में, जिस परिवार में मैंने 20 साल बिताए हैं, सांद्रा भैया, मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी प्रण और मेरा संकल्प के साथ एक एक पसीना का बूंद मैंने वहां छिटका है, उस सबको छोड़कर मैं अपने आप को आपके हाथों हवाले कर रहा हूं। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई चीज होना चाहिए तो वो केवल दो चीज होने चाहिए, एक सम्मान, पहचान। और सम्मान और पहचान के साथ अगर आपके हृदय में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मान पाऊंगा। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि मैंने पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी के हवाले खुद को कर दिया है। सिंधिया परिवार को ललकारा गया है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं बैठेगा। इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में हैं, अगर पूरे नहीं हो तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया उतर जाओ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जब सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहा। तो वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े। शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। शेर व शायरी करते हुए शिवराज ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। हम ये संकल्प करते हैं कि कमलनाथ, जब तक तुम्हारे पाप की, अत्याचार की, अन्याय की, भ्रष्टाचार की और आतंक की लंका को जलाकर राख नहीं कर सकते, हम चुप नहीं कर सकते। सिंधिया जी हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, इनको धराशायी करेंगे। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे घटिया और कुटिल चाल करने वाले बच्चे भी ऐसा नहीं करते। अब हमें पता चला है कि महाराज भाई एफआईआर कर दो, देख लेंगे हम क्या चाहिए, एक एक बात का हिसाब लेंगे, मिलकर चलेंगे। मामा भांजो चलोगे साहब? खुले हृदय से सिंधिया जी का एक बार फिर स्वागत करो, अभिनंदन करो। अपने चिर परिचित अंदाज में जो सिंधिया पहले बीजेपी पर बरसते थे, अब वो बीजेपी के हो गए हैं और कांग्रेस पर बरसते नजर आए। सिंधिया ने कहा कि उनको ललकारना महंगा पड़ेगा। अब देखना होगा कि 18 साल कांग्रेस के नेता बनकर सियासत में अपना नाम करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता बनकर किस तरह की सियासत करते हैं। स्पेशल डेस्क खबर अभी तक।